हरियाणा रोडवेज कर्मचारी तालमेल कमेटी के आह्वान पर आज राज्य भर के डिपुओं में 2 घंटे का विरोध प्रदर्शन की कड़ी में दादरी में रोडवेज कर्मियों ने विरोध प्रदर्शन किया। तालमेल कमेटी के सदस्य रणबीर सिंह व डिपो प्रधान राजेश रावलधी के नेतृत्व में विभिन्न यूनियनों द्वारा तालमेल कमेटी की बैठक के फैसले के अनुसार सुबह 9 बजे से 11 बजे तक प्रदर्शन किया गया। कर्मचारियों ने रोडवेज वर्कशॉप में धरना दिया और बस स्टैंड परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारी नेताओं ने कहा कि सरकार द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किए जा रहे विभाग के निजीकरण, बार बार बातचीत व सहमति के बावजूद सहमत हुई मांगों को लागू न करने, निजी परमिटों के माध्यम से रोडवेज बसों का संचालन बाधित करने, निजी बस संचालकों द्वारा रोडवेज कर्मचारियों पर किए जा रहे हमलों, विभाग में जारी भ्रष्टाचार तथा निजीकरण के माध्यम से निःशुल्क यात्रा कर रही श्रेणियों से बस यात्रा की सुविधा छीनने सहित अन्य मांगों व समस्याओं के खिलाफ प्रदेशव्यापी 2 घंटे का प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कर्मचारी नेताओं ने कर्मचारियों से रिकवरी करने, डिपो से हटाए 52 कच्चे कर्मचारियों को वापस लेने सहित बोनस न मिलने के विरोध में 30 अक्टूबर को दादरी डिपो बंद कर भविष्य में प्रदेश में चक्का जाम कर हड़ताल करने की भी चेतावनी दी है। चरखी दादरी से प्रदीप साहू, आजाद टीवी न्यूज। 6 नवम्बर को भिवानी में तालमेल कमेटी की दोबारा से मीटिंग होगी, उस मार पार की लड़ाई का फैसला किया जाएगा। इसी के बीच में आपके दादरी डिपो की स्थानीय मांगे हैं, जिसमें 52 कर्मचारी हटाए गए थे और उसके बाद डाटा कंप्यूटर ऑपरेटर के विरोध में प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ सरकार ने 52,000 रुपये की रिकवरी डाली। अगर इनको सरकार ने वापिस नहीं लिया तो 30 तारीख को दादरी रोडवेज का चक्का जाम होगा। संगठन के नेता थे उनके ऊपर और वो विड्रा नहीं की, कल हमने उसके लिए प्रदर्शन किया था और ये ऐलान कर दिया था कि अगर रिकवरी विड्रा नहीं की गई और इन 52 बच्चों को नहीं हटाया गया, नहीं लगाया गया, तो दोबारा 30 तारीख को हड़ताल की जाएगी। और मैं ये आह्वान करता हूँ कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई, रिकवरी के आर्डर विड्रा नहीं किए गए, तो 30 तारीख को पूरी तरह से यहाँ जाम रहेगा और उस दिन हमारे सभी 8 यूनियन के स्टेट के पदाधिकारी भी आएंगे और हो सकता है कि वो आगे भी पूरे हरियाणा में चेतावनी दे दें या पूरे हरियाणा का पहिया जाम करवा दें।